ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपने लिविंग रूम का टूर या फिर डेकोर जो कि मैंने दिवाली के लिए किया था। तो ये वीडियो आपके साथ में शेयर करना काफी लेट हो गया है, लेकिन डेकोर वीडियो हमेशा से ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद आए ना दोस्तों, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और आपके साथ में शेयर करूंगी, वो ये कि लास्ट ईयर मैंने दिवाली पर अपने लिविंग रूम का डेकोर किस तरीके से किया था। अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ मैं कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप जरूर चेक कीजिए जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि लास्ट ईयर मैंने किस तरीके से किया था और अभी क्या चेंजेस हैं। तो आज के डेकोर वीडियो में मैंने जो चीजें यूज की हैं, तो उसमें से मैक्सिमम देखिए अपनी पुरानी चीजें मैंने यूज की हैं, उसके अलावा कुछ DIY है और कुछ मैंने नई चीजों को जोड़ करके इस रूम का मेकओवर किया है। तो लिविंग एरिया के अंदर ही मेरा डाइनिंग एरिया भी है और साथ ही साथ मेरा मंदिर भी है। तो किस तरीके से सारी चीजों को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ये मेरा अपना घर है आप सबको बता दूं, और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ क्योंकि काफी सारे फ्रेंड पूछते हैं, इसलिए आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर थोड़ा सा खुला हुआ लगता है इसलिए मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। इसको मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है चलिए देख लेते हैं। तो ये है घर का मुख्य द्वार और यहाँ से हमारा एंट्रेंस रहता है ज्यादातर, लेकिन मैंने लिविंग एरिया वाला एंट्रेंस भी ओपन किया है जिससे कि वहां से आना जाना रहे। इस दरवाजे से जैसे ही एंटर होते हैं पड़ता है हमारा सामने मंदिर और पड़ता है डाइनिंग। मंदिर ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने अपनी चैनल पर बनाई हुई है, उसे चेक करके आप पूरा डेकोर वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके पास में आ जाता है ये मेरा डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। पहले आपको बता दूं, ये मैंने एक खुद बनवाया था डाइनिंग टेबल जो कि 6 सीटर है और आज से काफ़ी साल पुराना है। आप देख सकते हैं इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि जगह जगह से चैप हो रही है ये वुडन की पॉलिश। तो इसमें दो ऑप्शन हैं कि मैं इसका वुडन पॉलिश चेंज कर दूं, और दूसरा ऑप्शन है कि इसको डाइनिंग टेबल को ही चेंज कर दूं, क्योंकि इसकी जो चेयर्स है ना उसकी गद्दियाँ वगैरह भी थोड़ी सी डैमेज हो रही हैं। तो उसको कवर करने के लिए मैंने इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैंने कवर लगाए हैं जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर मिल जाते हैं। वाइब्रेंट येलो कलर की थीम मैंने इस बार दिवाली पर रखी है, तो उसी से मैच करते हुए डाइनिंग टेबल को भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से कवर किया है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। डाइनिंग टेबल को मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी सा रखा है जिससे कि बिल्कुल एक्सेसिबल हो और आसानी से हम इस पूरी डाइनिंग टेबल को यूज़ कर सकें। जस्ट मैंने इसके कॉर्नर पर यहाँ पर एक ट्रे रखी है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके फ्लोटिंग दिया रखे हैं जो कि लोटस वाले डिज़ाइन में है। ये जो मैंने फोक और स्पून का सेट लिया है ये तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने रखा है एक छोटा सा ब्रास का फ्लावर पॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना और एंटीक है। ये मेरी मम्मी की शादी का है और उन्होंने मुझे दिया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इससे प्यारी सी यादें जुड़ी हुई हैं और ये काफ़ी सालों से रखा हुआ था, सोचा कि इस बार यूज़ कर लेती हूँ। वहाँ पर मैंने मैच करते हुए लगाए हैं थोड़े से रोजेस। ये वॉलपेपर जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, लास्ट ईयर मैंने इसको कराया था, और लाइट कलर का वॉलपेपर कराने का बेनिफिट मुझे ये मिला कि एक साल होने को आया, लेकिन एक साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी ये पुराना नहीं लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। बराबर में ही आ गई है मेरी नंदी वाला DIY जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी DIY वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सारे खूबसूरत से DIY देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर के ऊपर के साइड में ही लगी हुई है एक ये बड़ी सी बुद्धा की पेंटिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये बिल्कुल 3D इफेक्ट देती है क्योंकि इसके अंदर जो स्टोन लगे हैं उसके ऊपर रेजिन वर्क किया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ग्लास फिनिश देती है और 3D इफेक्ट देती है। अगर इसके ऊपर मैं फोकस लाइट लगाती तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगती, लेकिन ये मंदिर के ऊपर है, जस्ट कुछ इस तरीके से लग रही है। जस्ट सामने आ जाता है मेरा लिविंग एरिया और इसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है कि दिवाली के बाद में बहुत ज़्यादा कुछ डेकोर हटाने की ज़रूरत ना पड़े, एज इट इज़ ही रहे। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेट इसको किया है। नाइट इफेक्ट लास्ट में जरूर देखिएगा। तो अगर यहाँ तक पसंद आया है तो लाइक कर दो। इनडोर से जैसे ही एंटर होते हैं पास में आता है पहले एक बाथरूम, और उसके बराबर में
यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पर एक फुटमैट था और ऊपर के साइड में मैंने एक ये हैंगिंग लगा रखी है जो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। ये एक उर्ली है या फिर इसको एक एज अ डिकोर पीस यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उसके बराबर में मैंने लगाया है एक ये फ्लोर लैम्प जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिवाली स्पेशल है। और फ्लोर लैम्प के बराबर में ही आ जाता है मेरा यहाँ पर 2-सीटर सोफ़ा। इसके ऊपर जो आप सोफ़ा थ्रो देख रहे हैं ये मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बाय द वे जितने भी मेरे DIY हैं आपको सारी मेरी DIY प्लेलिस्ट पर देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो स्टिचिंग रिलेटेड हों या फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड हों। एक चीज़ और, आपके साथ में आने वाले वीडियोस में ढेर सारे स्टिचिंग वीडियो मैं शेयर करूंगी, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए विद बेल बटन, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप उसको तुरंत देख सकें। तो इस बार की मेरी जो लिविंग एरिया की थीम जो रखी थी वो मैंने येल्लो रखी है, तो यहाँ पर मैंने येल्लो कलर के कुशन कवर और यहाँ पर वाइट कलर के सीक्वेंस वाले कुशन कवर से और अपने हैंडमेड सोफ़ा थ्रो से डेकोरेट किया है इस 2-सीटर सोफ़ा को। और सोफ़ा के ऊपर के साइड में आ जाती है एक ये राउंड शेल्फ जो कि अगेन पुरानी है, और इसके ऊपर मैंने अपनी डॉटर अन्वेशा का एक DIY रखा है, ये येलो कलर का आप देख सकते हैं। ऊपर के साइड में उसके जितने भी प्राइजेस वगैरह हैं वो रखे हैं, एक आर्टिफिशियल प्लांट है, बाकी उसको मैंने फ्री रखा है। बराबर में आ जाती हैं ये दो ट्रेडिशनल वॉल डेकोर जो कि अगेन काफ़ी पुरानी है, लेकिन लिपन आर्ट वर्क कभी भी पुराना नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट देता है। और अपने सोफे के जस्ट दूसरे साइड में मैंने लगाया है ये एक प्लांटर स्टैंड जिसमें मैंने मिक्स करके फ्लावर्स रखे हैं, और उसी के बराबर में आ जाती है एक कॉफ़ी टेबल जो कि मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी, उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है। अब दिवाली है तो एक टी लाइट कैंडल होल्डर, और यहाँ पर मैंने ब्रास की उर्ली में, छोटी सी उर्ली है ये, और इसके अंदर मैंने फ्लावर डाला हुआ है। टेबल के ऊपर मैंने ये लगाए हैं कुछ शो पीस जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आपको अगर ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत से शो पीसेज वगैरह मिल जाएंगे, और वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेट पर। ये चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन इस बार मैंने ये सब कुछ लोकल मार्केट में अपने सर्च किया और मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिल गया। हालांकि मैं खुद भी बहुत सारे DIY करती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ घर की चीज़ों से, कुछ अपने DIY से और कुछ बाज़ार से ख़रीद करके कुछ पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके अपने घर को सजाऊं। आफ्टर ऑल घर की सजावट इसी तरीके से तो होती है, इससे हमारा बजट भी नहीं बिगड़ता और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और अपना पर्सनल टच तो होता ही है। ये देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर मैंने परचेज़ की थी, लास्ट ईयर दिवाली के तुरंत बाद मैंने इस बार की थीम सोच ली थी, और उसी के साथ साथ मैंने ये एक, आप देख सकते हैं मेरी कारपेट जो है येलो कलर की, ये मैंने परचेज़ की थी। अब चूंकि मेरे पास कर्टन पहले से ही थे जो कि आपके साथ में मैं बहुत बार, एक बार एक कर्टन हॉल में मैं शेयर कर चुकी हूँ और बहुत बार बताया भी था कि मेरे ये पुराने कर्टन हैं, तो उसी की थीम के अकॉर्डिंग मैंने ये कारपेट परचेज़ की थी। तो ये येलो कलर का काफ़ी वाइब्रेंट सा लग रहा है। और ये रहे वो कर्टन, ये है टिश्यू के कर्टन जो कि आप लाइनिंग के साथ में मुझे ये मैंने लिए थे, और इसमें एक ख़ास बात ये है इन कर्टन्स में, ये क्रीम बेज कलर के हैं, बेज नहीं लाइट सा येलो है, लेमन येलो कलर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए दिवाली की तैयारी हो रही है, ये वीडियो मैंने पहले ही शूट किया था दिवाली से 2 दिन पहले, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि दिवाली पर मेरे किचन का कुछ छोटा मोटा सा काम चल रहा था। बाय द वे ये कर्टन जो हैं इनको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऊपर का साइड का हम इकट्ठा करके अगर यहाँ पर नॉट लगा देते हैं और पीछे का खुला रख सकते हैं। इसकी जो लाइनिंग है वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कर्टन को दूर से देखने पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि काफ़ी डिफरेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको लुक देती है। तो पूरे लिविंग एरिया का टूर मैं आपको लास्ट में दूंगी, ये कर्टन पास से देखने में कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। हालांकि ये मेरे सबसे पुराने कर्टन हैं, लेकिन लगाने के बाद में ये काफ़ी खूबसूरत और नए जैसे दिख रहे हैं। और
कर्टन के ऊपर के साइड में यहाँ पर वॉल मैंने शेल्फ लगाई हुई हैं 3 से 4। ये भी अगेन काफ़ी पुरानी है, मैंने मीशो से ली थी बहुत पहले और आप सबके साथ में आई थिंक इसका हॉल भी मैंने शेयर किया था। वाइट कलर की हैं, MDF की बनी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, कार्विंग की हुई है और इनको मैंने सिंपल सा इसी तरीके से जो भी मेरे पास पुराने छोटे मोटे डेकोर पीस बचे थे उनके साथ में डेकोरेट किया है। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं मेरे लिविंग एरिया का टूर, ये कुछ नाइट के टाइम पर इस तरीके से लगता है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मैंने अच्छा सा रखने की कोशिश की है, एलिगेंट सा रखने की कोशिश की है। अब ये दिखा रही हूँ आपको, देखिए रात का 1 बजा है और रात को काफ़ी लेट तक जग करके मैं इसकी प्लानिंग करती थी कि कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी और कैसे इसको सिंपल और एलिगेंट रखा जाए जिससे कि दिवाली के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा हटाने की ज़रूरत ना पड़े और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगे। तो सोफे के साइड में आ जाती है एक बहुत ही छोटी सी टेबल जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है, दिवाली स्पेशल है। इसके पीछे मेरे वाईफाई वगैरह रखे हैं और ऊपर के साइड में मैंने रखा है एक ट्रे में जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह, क्योंकि दिवाली है तो जो भी गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम करने के लिए रखा है ये। और सोफ़े का जो कवर था, जो सोफ़ा थ्रो मैं यहाँ पर हमेशा स्प्रेड करके रखती हूँ फेस्टिवल पर, मैंने वो हटा दिया है तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको पसंद आया है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।